चौदह अप्रैल 2024 की सुबह जब लोग अपने घरों से सोकर भी नहीं उठे थे इसी बीच में अभी अंधेरा था और देखते ही देखते मुंबई शहर के बैंड्रा इलाके में जो गैलेक्सी अपार्टमेंट यानी कि सुपरस्टार सलमान खान के घर के बाहर से बाइक गुजरती हैं और गोलियां चलनी शुरू हो जाती हैं एक के बाद एक पांच राउंड गोलियां चलाई जाती हैं लोग समझ नहीं पा रहे थे लेकिन जब तक समझते हैं तब तक गोली चलाने वाले वहां से जा चुके थे अब ये बात पूरे इंडिया में फैल जाती है कि सलमान खान के घर पर गोलियां चलाई गई हैं देखते ही देखते कुछ देर के बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इस बात की जिम्मेदारी ले ली कि सलमान खान हम ये सब नहीं करना चाहते थे लेकिन करना पड़ रहा है दहशत फैल जाती है बॉलीवुड स्टारों के अंदर कि आखिरकार बात जो कही गई थी वो सही भी हो जाती है दो दिन के बाद यानी कि 16 अप्रैल 2024 को महाराष्ट्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एक शिंदे इस परिवार के पास जाते हैं बातचीत करते हैं और तसली देते हैं कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है बल्कि पूरी की पूरी महाराष्ट्र सरकार तुम्हारे साथ खड़ी है यहां से बाहर निकल रहे थे एक शिंदे तभी मीडियाकर्मियों ने उन्हें घेर लिया और घेर कर पूछा कि अंडरवर्ल्ड का ये सब क्या चल रहा है इससे पहले कि मीडिया वाले सवाल करते तभी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एक शिंदे कह लगते हैं कि ये महाराष्ट्र है ये मुंबई है पूरा का पूरा अंडरवर्ल्ड खत्म हो चुका है अब यहाँ कुछ भी नहीं है विष्णोई विष्णोई को खत्म कर देंगे हम लोग मुंबई पुलिस है महाराष्ट्र है ये यहाँ पर हम किसी की दादागिरी नहीं चलने देंगे जैसे ही एकनाथ शिंदे ने मीडिया वालों के सामने ये बयान दिया उसके बाद ये बयान सोशल मीडिया पर वायरल होने लगता है अब देखते ही देखते है, लोगों में इस बात का गुमान भी होने लगता है कि जो लॉरेंस बिश्नोई यहाँ राजस्थान हो यह दिल्ली हो या फिर पंजाब हो जहाँ देखो वहाँ लोगों से हत्याएं कर लोगों की हत्याएं हो रही हैं साथ ही उनसे रंगदारी वसूली जा रही है लेकिन मुंबई पुलिस शायद उसे अब छोड़ेगी नहीं वो मुख्यमंत्री ये भी कहते हैं कि हम जड़ तक जाएंगे और जड़ तक जाने के बाद एक एक मामले की जांच करेंगे और जो भी इसमें होगा इन्वॉल्व हम उसे किसी भी कीमत पर बख्शेंगे नहीं छः महीने का समय बीत जाता है लेकिन पुलिस अभी सलमान खान के मामले में जांच पड़ताल करके हटी भी नहीं थी ये भी रिजल्ट तक पहुँची भी नहीं थी कि एक बार फिर से मुंबई में सर आम गोलियाँ मार एक व्यक्ति की हत्या कर दी जाती वो व्यक्ति कोई साधारण व्यक्ति नहीं होता है बल्कि तीन बार का एम एक बार के मंत्री भी होते हैं और बड़ी बड़ी जिम्मेदारी होती हैं वर्तमान में उनके बेटे भी एम होते हैं बाबा सिद्दीकी और बाबा सिद्दीकी की, की मौत की चर्चा उनकी हत्या की चर्चा आज पूरे इंडिया ही नहीं बल्कि कई मुल्कों तक उसकी गूंज फैल चुकी है अब सरकार करे तो क्या करे सरकार तो उनकी जड़ों तक नहीं पहुंच पाई लेकिन एक बार फिर से वो मुंबई जरूर पहुंच गए हैं जिससे पूरे बॉलीवुड हो या फिर राजनीति हो हर जगह हलचल मची हुई है आखिरकार इस हत्याकांड को अंजाम किसने दिलाया है इस घटनाक्रम के माध्यम से ये जानने की समझने की कोशिश करते हैं आदाब नमस्कार सस्त्री काल में उस्मान सेफी आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुने जा रहा हूं। ये सच्ची घटना है महाराष्ट्र प्रदेश के बैंड्रा जो कि मुंबई शहर का बहुत ही पौष इलाका है उसी में एक खैर नगर है यहाँ पर कांग्रेस के विधायक होते हैं जशांत सिद्दीकी जो कि ईस्ट से विधायक होते हैं दरअसल 12 अक्टूबर 2024 को ये और उनके पिता जो कि पूर्व एमएलए रह चुके हैं बाबा सिद्दीकी ये यह यहाँ से अपने ऑफिस से अपने घर की तरफ निकल रहे थे लेकिन इसी बीच में जिशांत सिद्दीकी जो होते हैं उनके पास फ़ोन आ जाता है वो कहते हैं कि अबू आप चलो और बस मैं अभी आया यानी कि जिशांत सिद्दीकी वापस अपने कदम पीछे कर लेते हैं वो अपने ऑफिस में जाते हैं और जो उनके पास इम्पोर्टेंट कॉल आई थी उस इम्पोर्टेंट कॉल को वो सुनने लगते हैं बाबा सिद्दीकी जो होते हैं वो यहाँ से निकल के अपने घर की तरफ जा रहे थे जो निर्मल नगर थाना क्षेत्र होता है उसी का खैरवाड़ी सिग्नल होता है वहाँ पर भी पहुँचे ही थे कि इसी बीच में 10 से 15 लड़के का एक ग्रुप आता है एक गुट आता है और जैसे गुट आता है तो वो इशारा करते हैं कि हमारे साथ क्या दशहरा नहीं मनाओगे दरअसल ये दशहरा का पर्व था जगह जगह रावण का दहन हो रहा था लोग खुशियाँ मना रहे थे इस पर्व के रावण दहन के साथ साथ पटाखे भी छोड़ रहे थे उन दस बार जो लड़के होते हैं एक ग्रुप होता है उस ग्रुप में से कुछ इशारा करते हैं बाबा सिद्दीकी को और बाबा सिद्दीकी वो मंत्री भी रहे हैं महाराष्ट्र सरकार में साथ ही तीन बार के एमएलए रहे हैं और नगर निगम में भी उनके पास जिम्मेदारी रही है यूथ कांग्रेस के भी वो नेता रहे हैं वो पहले से ही इस तरह के कार्यक्रमों में जाते रहे थे युवाओं को देख वो उतर जाते हैं उतरने के बाद जो भी के आतिशबाजी होती है पटाखे होते हैं वो छोड़ना शुरू कर देते हैं पटाखे छोड़कर यहाँ पर अब शोर शराबा होने लगता है पटाखों का धुआं हो रहा था रोशनी भी हो रही थी सभी तरह का इसी बीच में मौका पाते वो यहाँ से अब जाने की बात करते हैं ही अपनी गाड़ी में बैठने की कोशिश कर रहे थे इसी बीच में एक के बाद एक छह राउंड गोलियां चलती हैं छह राउंड गोली चलती हैं जिसमें तीन राउंड गोली लग जाती हैं बाबा सिद्दीकी को दो गोली उनके सीने में और एक गोली उनके पेट में लग जाती है एक गोली शायद उनके सहयोगी होते हैं उसके छूके निकल जाती है और एक गोली जो होती है वो उनकी बुलेट प्रूफ गाड़ी होती है उसको जाकर लग जाती है लोग इससे पहले की कुछ समझ पाते जो भीड़ आई हुई थी अचानक से पटाखे छोड़ने के लिए वो भीड़ भी तितर बितर हो जाती है यहाँ से लोग भागने लगते हैं अभी ये अपने बेटे के ऑफिस से महज 100 मीटर की दूरी ही पार की थी कि इनके साथ इस इतना बड़ा कांड हो जाता है इसके बाद इनके जो साथ के लोग होते हैं उनको उपचार के लिए लीलावती हॉस्पिटल में लेके जाते हैं और दो एक घंटे के बाद डॉक्टर लोग उन्हें मृत घोषित कर देते हैं कहते हैं कि हम इन्हें बचा नहीं सके बस इतना कम था अब यह मामला सोशल मीडिया पर वायरल होना शुरू हो जाता है वायरल होने के पीछे वजह यह होती है कि बाबा सिद्दीकी जो हैं उनका नाम राजनीति से भी जुड़ा हुआ है सोशल वर्क से भी जुड़ा हुआ है साथ ही उनका बॉलीवुड में बड़ी जो नज़दीक जो बहुत बड़े बड़े स्टार हैं चाहे वो सलमान खान हो शाहरुख खान हो या सुनील शेट्टी हो इस तरह के बड़े बड़े स्टारों से उनके नज़दीकियाँ हैं वो साल में एक बार जब रमज़ान का न, न, महीना आता है तो रमज़ान के महीने में वो एक दिन इफ्तार पार्टी जरूर करते हैं और इफ्तार पार्टी जब सोशल मीडिया पर इसकी खबरें आती हैं मीडिया में जब इसकी खबरें आती हैं तो पता चलता है कि इफ्तार पार्टी में बड़े बड़े पॉलिटिशियन हो आते हैं बड़े बड़े अभिनेता आते हैं और बड़े बड़े बिजनेस इसमें शामिल होते हैं इन सब शामिल होना यहाँ वाकई अपने आप में चर्चा का विषय ही बन जाता है कि सलमान खान शाहरुख खान से जिसकी दोस्ती होती है उनकी हत्या कर दी गई है यानी कि बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी गई है अब इसमें मीडिया मीडिया रिपोर्ट आती है मीडिया रिपोर्ट के साथ साथ इसमें जो जब ये पंद्रह दस पंद्रह लो, लोगों की भीड़ होती है जब मौके से भाग रही थी तो गोली चलाने वाले दो को पकड़ा पकड़ा जाता है और पकड़ने वाला कोई और नहीं ए महाराष्ट्र पुलिस का एक जाबाज बहादुर एक सिपाही होता है ऑफिसर होता है इनका नाम राजेंद्र दाभाड़े होता है वो मौका पाते ही धर्मराज कश्यप और साथ ही एक और व्यक्ति होता है इसका नाम होता है गुरमेल सिंह ये शूटर होते हैं इनको दबोच लेते हैं इनको पकड़ लेते हैं अब जब इन्हें पकड़ा जाता है पकड़ने के बाद इनसे पूछताछ की जाती है तो पूछताछ करने के बाद पता चलता है कि इन्हें तो आदेश हुआ था जैसा आदेश हुआ था आदेश ये हुआ था कि जो भी सामने आए उसको मार देना है यानी कि बाबा सिद्दीकी को ही नहीं बल्कि अगर उनका बेटा जशांत सिद्दीकी भी सामने आता है तो उसको भी मार देना है उसको भी किसी की भी कीमत पर छोड़ना नहीं है अब इतना था कि जाहिर सी बातें हड़कंप मच जाता है पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुट जाती है जांच पड़ताल करने के बाद पता चलता है कि छह नाम सामने आते हैं पुलिस के सामने अभी फिलहाल प्राथमिक जांच में पहला नाम धर्मराज कश्यप होता है शिव कुमार उर्फ शिवा होता है तीसरा नाम होता है गुरमिल सिंह चौथा नाम होता है शुभम लौनकर पांचवा नाम होता है जिशान अख्तर छठवा नाम होता है प्रवीण लोंकर पुलिस ने जो मेहनत की कोशिश की उसमें तीन लोग पकड़े जाते हैं धर्मराज कश्यप गुरमेल सिंह जिसको एपीआई राजेंद्र दाभाड़े पकड़ते हैं बाकी एक प्रवीण लोंकर होते हैं जिनको पुणे से पकड़ा जाता है दरअसल प्रवीण लोंकर की अगर हम बात करें तो प्रवीण लोंकर व्यक्ति जो वायरल पोस्ट होती है शुभू लोंकर उसका ये भाई होता है पुलिस अभी इसी मामले की जांच पड़ताल में जुड़ जाती है और देखते देखते जब ये कहानी आ, मीडिया में आने लगती है कि जिस तरह से बाबा सिद्दीकी की हत्या हो जाती है तो इस हत्याकांड से ना केवल राजनीति बल्कि पूरे बॉलीवुड में यही नहीं बिहार प्रदेश का जो जिला गोपालगंज लगता है उसी का प्रखंड माझा लगता है और माझा का गांव लगता है शेखटोली यहाँ पर इस बाबा सिद्दीकी का एक गांव होता है जो कि कांग्रेस के पूर्व नेता पूर्व एम भी होते हैं वह पूर्व मंत्री भी रहे थे गाँव में भी हड़कंप मच जाता है लोगों को लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि एक अच्छे इंसान की आखिरकार ऐसे कैसे हत्या हो सकती है जबकि इनके ऊपर तो कोई इस तरह का आरोप भी नहीं थे हालांकि गांव में ये भी बताते हैं जो मीडिया वाले पहुंच जाते हैं कि ये गांव के लोगों की मदद करते हैं गरीबों की मदद बच्चों की पढ़ाई में मदद इस तरह से गांव के लोग यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि बाबा सिद्दीकी की हत्या हो जाती है यही नहीं जब पुलिस ने जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया है उसके बाद फिर दो चार लोगों के नाम सामने आते हैं जिसमें एक नाम होता है गुरमेल सिंह जिसकी उम्र लगभग तेईस साल के आसपास होती है जो कि पंजाब के कैथल न हरियाणा के कैथल जिले का गाँव लगता है नरड़ वहाँ का रहने वाला होता है उसने एक हत्या कर दी थी जब उसकी घर की हालत मीडिया कर्मियों ने जाकर देखी तो घर की हालत बहुत ज़्यादा बद बत से बदतर होती है बताते हैं कि एक वक्त के खाने का भी इंतज़ाम होना बहुत मुश्किल पड़ जाता है यही नहीं जब मीडिया कर्मियों ने ये जो व्यक्ति पकड़ा जाता है जिसका नाम धर्मराज कश्यप होता है शूटर होता है इसके बारे में पता चलता है कि जो इसके पिता होते हैं वो मछली बेचकर अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं इनकी जो माँ होती है कुस्माँ वो बताती हैं कि वो कबाड़ का काम करने के लिए पुणे गया हुआ था वो कब जाकर लॉरेंस विश्नोई गैंग से जुड़ जाता है उसको कुछ नहीं पता और उसकी घर की भी हालत बद बत से बदतर ही होती है साथ ही उसका एक साथी होता है जो इसी गांव का रहने वाला होता है जो कि उत्तर प्रदेश के बहराइच के गंडारा का गांव होता है शिव कुमार उर्फ शिवा जो कि सात आठ महीने पहले गया था वो भी पुणे में भंगार का काम करता है हालांकि पुलिस अभी इन आरोपी तक पहुंचने की कोशिश कर रही है बाकी जितने भी आरोपी हैं पुलिस का दावा है कि इन्हें जल्द से जल्द, जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा लेकिन जिस तरह से हर बार लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम सामने आता है वो अचानक से बीच में आता है किसी भी पोस्ट पर जिम्मेदारी लेता है और ज़िम्मेदारी लेने के बाद ये एहसास कराता है कि हमने ये काम किया है इसकी जिम्मेदारी हम इसलिए भी लेते हैं दरअसल लॉरेंस विष्णुई का ये पहला मामला नहीं नहीं है बल्कि इससे पहले भी बड़े चर्चित मामले रहे हैं जैसे 29 मई 2022 को पंजाब के मशहूर सिंगर जो होते हैं सिद्धू मूसेवाला उनकी सरेआम गोलियां मारकर हत्या कर दी जाती है थोड़ी बहुत नहीं चौबीस गोलियां मारी जाती हैं ऐसे ही एक मामला हुआ था राजस्थान की राजधानी जयपुर के अंदर पाँच दिसंबर दो को सुखदेव सिंह गोगा मड़ी की उनके घर में घुसकर हत्या कर दी जाती है यही नहीं सलमान खान के जो अपार्टमेंट होता है गलेक्सी अपार्टमेंट उसके घर पर भी 14 अप्रैल 2024 को पांच राउंड गोलियां चलाई जाती हैं और कनाडा में चाहे वो पंजाबी सिंगर हो उनके घर पर भी गोली चलाई जाती हैं और ए पी ढिलो हों दो सितंबर 2024 को उनके भी घर पर गोलियां चलाई जाती हैं ये कोई पहले ऐसे मामले नहीं हैं लगातार मामले होते तो चले जा रहे हैं चाहे लॉरेंस विष्णु डायरेक्ट जुड़े हुए हैं या फिर इनडायरेक्ट जुड़े हुए हैं उन ये लगातार अपने कामों को अंजाम दे रहे हैं पुलिस की जांच शायद वहाँ तक पहुँच नहीं पाती है लेकिन जैसा जैसा सोशल मीडिया पर कोई बात आती है वो अपना कहा पूरा भी कर देते हैं अभी जब सलमान खान के घर पर गोलियाँ चलती हैं इस बात को करेक्ट छः महीने का समय हो चुका है चौदह अप्रैल की वो बात थी और आज ये चौदह अक्टूबर दो को ये कहानी सुनाई जा रही है जिस तरह से लगातार नाम भी सामने आता है और पुलिस कुछ कर नहीं पाती चाहे वो सिद्धू मूसेवाला का मामला हो चाहे वो सुखदेव सिंह गोगामेड़ी का मामला हो क्योंकि सालों साल लगातार मामले चलते चले जाते हैं एक तरफ देश में बेरोजगारी चरम सीमा पर बढ़ रही है और लॉरेंस विश्नोई का नाम जिस तरह से मीडिया में लिया जाता है उस हिसाब से उसके प्रति एक सोच बन चुकी है उसके प्रति लोग युवाओं का इंप्रेशन इतना ज़बरदस्त है कि उनके नाम की नाम भी लेते हैं साथ ही उनकी डीपी भी लगाते हैं अपनी डीपी की जगह ऐसा लगता है जिससे उसको अपना आइडियल मानने लगे हैं यहाँ लॉरेंस बिश्नोई को खत्म करने की जरूरत नहीं है जिस तरह से महाराष्ट्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ये सीधे सीधे साफ साफ कहा था कि विष्णु विष्णु कुछ नहीं हम उसको खत्म कर देंगे वो उसे खत्म नहीं बल्कि यहाँ पर एक सोच को मारने की जरूरत है और सोच को मारने के लिए पुलिस प्रशासन सरकार चाहे वो महाराष्ट्र की हो चाहे वो दिल्ली की सरकार हो चाहे वो पंजाब की हो हरियाणा की हो या उत्तर प्रदेश की हो या फिर पूरे भारत की सरकार हो उन्हें एक सोच है जो लॉरेंस विष्णोई नाम की एक सोच बन चुकी है यही कारण है कि जो बेहद गरीब परिवारों के लड़के हैं जो बेरोजगार हैं जो अपनी जिंदगी की किस तरह से गुजर बसर कर रहे हैं और वो ना कुछ बातों पर वो उनके साथ जुड़ जाते हैं जिस तरह से जिशान अख्तर का नाम सामने आता है जिशान अख्तर जालंधर का रहने वाला होता है और इसका गांव लगता है शंकर शंकर गांव का ये रहने वाला है इसके पिता जो कि राजमिस्त्री होते हैं और इसके पिता के घर से किसी ने मोबाइल चोरी कर लिया था इसके पिता ने जब मोबाइल मांगने की वापस बात की तो जिस व्यक्ति ने जो उसके साथ रहता था इसके पिता के वो मोबाइल वापस मांगा तो उसने इसके पिता को पीटना शुरू कर दिया इसलिए जिशान अख्तर ने अपने पिता की इस बेजती का बदला लिया उसके साथ मारपीट की और वो लॉरेंस गैंग्स के साथ जुड़ जाता है ऐसा दावा किया जाता है यदि युवाओं को रोज़गार दिया जाए और ऐसे अपराधियों को कम से कम समय में सख्त से सख्त सजा मिल सके तो शायद इस सोच के पीछे कोई भागेगा नहीं और अगर ऐसे ही चलता रहा जैसे पहले सिद्धू मूसेवाला फिर सुखदेव सिंह गोगा मैणी और सलमान खान के घर के बाहर जिस तरह से गोलियां चली थी यदि ऐसे ही चलता रहा तो लॉरेंस विष्णु की गैंग में जिस तरह से बताते हैं कि लगभग सात से ज़्यादा शूटर हैं और वो उसके लिए मरने मारने को तैयार भी हो जाते हैं उसकी टीम है चाहे वो गोल्डी बराड हो रोहित गोदारा हो अनमोल बिश्नोई हो या काला जठेड़ी हो इस तरह के बड़े बड़े नाम अलग अलग जगह अलग अलग एरिए बटे हुए हैं और वो कहीं से भी बैठ के दुनिया के किसी भी हिस्से में बैठ कर किसी को भी धमकी दे सकते हैं और किसी को भी गोली लगवा सकते हैं किसी को भी गोली मरवा सकते हैं किसी को भी डरा सकते हैं यदि ये सोच ना मरी और लॉरेंस विश्नोई अगर मारा भी दिए मार भी दिया जाता है तो उसके बाद कोई और दूसरा लॉनसवेशन नहीं खड़ा हो जाएगा इसलिए सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि इस पर कड़े कदम उठाने की ज़रूरत है कुछ बड़े एक्शन लेने की ज़रूरत है ताकि जिस तरह से बॉलीवुड में एक तरह से दहशत फैली हुई है डर बना हुआ है ताकि वो डर लोगों से निकल सके नेताओं में जिस तरह से इस बार डर फैला है उनका डर बाहर निकल सके दोस्तों इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है किसी का दिल दुखाना नहीं है बल्कि आपको जागरूक करना है आपको सचेत करना है और आपको बताना है कि आइडल बनाने भी हैं तो अच्छे लोगों को आइडल बनाएँ भगत सिंह हैं चंद्रशेखर आज़ाद हैं राम प्रसाद बिशमिल हैं या फिर गांधी जी हैं या फिर चंद्रशेखर सुभाष चंद्र बोस हैं इस तरह के लोगों को अपना आइडल बनाएं इस ऐसे व्यक्ति को बिल्कुल भी आइडल न बनाएं क्योंकि आप जिस तरह की घटनाक्रम को अंजाम दे देते हैं उसके बाद परिवार का जो एक एक सदस्य होता है वो कितना सफ़र करता है शायद आपको इस बात का अंदाज़ा नहीं है जाते जाते आज उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर की, की गुलावटी की रहने वाली हैं आलिया परवीन इनके पिता इसरार खान ने ये अपील की थी बेटी का जन्मदिन है साथ ही का यादव हैं जो कि मध्य प्रदेश की रहने वाली हैं आज इनका भी जन्मदिन है इनको भी जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं बहुत बहुत मुबारकबाद साथ ही कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है जिसमें अकील अहमद आराध्या मोहम्मद अब्बास शेख गीत मैनी अनुराग हासन सिद्दीकी मोहम्मद इस्लाम अंसारी रूपेश कुमार विश्वनाथ शर्मा रुद्रा चौहान अंकित सिंह पूनम ठाकुर मोहम्मद इम्तियाज निरंजन कुमार झा मुकेश कुमार रोहित सिंह राजपूत ललिता सिंह कबीर कुमार आप सब लोग अपना ख्याल रखें सुरक्षित रहें जय हिंद जय भारत